हाय गाइस, बी टाउन हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे अल्फा मूवी से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि हमारा वीडियो आप तक पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आलिया भट्ट सरवरी वर्ग की स्पाई यूनिवर्सल की फिल्म जिसका नाम अल्फा रखा गया है और अब जाकर हर रोज इनके लिए कोई नई अपडेट सामने आती रहती है। पहले मूवी के बारे में अनाउंसमेंट किया गया था तो वहीं अल्फा मूवी के सेट से आलिया भट्ट की तस्वीरें सामने आई थी कि उन्होंने अब फिल्म की शूटिंग स्टार्ट कर दी है और कड़ी ट्रेनिंग ले रही है, जिसके बाद फैंस इस मूवी को लेकर और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे और अब जाकर अल्फा मूवी के किरदारों से पर्दा उठ रहा है। अल्फा मूवी वायरएप स्पाई यूनिवर्सल की महिला एजेंट पर आधारित मूवी है। जैसा कि सभी को पता है कि वायरएप ने स्पाई यूनिवर्सल की शुरुआत सलमान खान की मूवी टाइगर से की थी। इसके बाद धीरे धीरे अपना दायरा बढ़ाती गई और अब जाकर महिला एजेंट पर आधारित मूवी बनाने जा रहे है। और अब जाकर ये खबर आ रही है कि आलिया भट्ट की मूवी अल्फा में शाहरुख खान एक बार फिर से पठान के किरदार को निभाते हुए नजर आ सकते है। जैसा कि सभी को पता है कि पठान वायरएप स्पाई यूनिवर्सल की ही पिछले साल रिलीज हुई सबसे सुपरहिट मूवियों में से एक है। हो सकता है कि जैसे पठान में टाइगर की एंट्री हुई थी उसी तरह अल्फा मूवी में पठान की एंट्री हो सके। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एनिमल के बाद बॉबी देओल के लिए एक बार और विलेन के किरदार में नजर आने वाले हैं। इस बार बॉबी देओल एनिमल मूवी के रणविजय से नहीं बल्कि रणविजय की रियल लाइफ वाइफ यानी आलिया भट्ट से टकराने वाले है। इस अल्फा मूवी में आलिया भट्ट और सरवरी वाघ सुपर एजेंट के किरदार में नजर आएंगे और इसी मूवी में बॉबी देओल एक शैतानी विलन का किरदार निभाने वाले है। तो दोस्तों, आप भी ये जबरदस्त मूवी अल्फा देखने के लिए कितना इंतजार कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और आगे इस मूवी से जुड़ी और भी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए बी टाउन हब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।